अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो और जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से HI के विजन के DVR की रिकॉर्डिंग आप USB में डाउनलोड कर सकते हैं और इसके प्लेबैक वगैरह आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग किस तरह से चेक कर सकते हैं डेट वाइज, तो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर सारी सेटिंग करके रखी हुई है ऑलरेडी। अब मुझे इसमें रिकॉर्डिंग निकालनी होगी, तो मैं रिकॉर्डिंग किस तरह से निकालूंगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा मेन मेन्यू प्लेबैक के ऊपर, इसका पैटर्न मैं करूंगा। पैटर्न के बाद ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग के ऊपर चले जाएगा। रिकॉर्डिंग में ये 3 नंबर का कैमरा पे लगा हुआ है, चैनल पे लगा हुआ है, तो इसकी रिकॉर्डिंग ये आ रही है। तो इसकी रिकॉर्डिंग ये है, ठीक है। इस तरह से ये पूरे 24 घंटे की रिकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। इसमें 24 घंटे की नहीं है, 3 बजे कैमरा लगाया है, तो ये अभी तक 6 बजे तक की रिकॉर्डिंग आ रही है। ये 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। डेट वाइज यहाँ डेट आ रही होगी आपकी, जो पहली तारीख से लेके, इस तरह से ये रेड हो रहा है। मैंने अभी इसको मोशन सेंसर पर रखा हुआ है, इसलिए रेड आ रहा है। अगर आप मोशन सेंसर पर नहीं रखेंगे तो यहाँ ब्लू कलर का रिकॉर्डिंग का वार होगा। तो जिस तरह से ब्लू कलर की लाइंस यहाँ पर आ रही होंगी जो डेट वाइज, तो आप इसको इस तरह से सर्च कर सकते हैं। बाकी इसका डाउनलोड का तरीका ये है कि हमें मिसाल के तौर पे सबसे पहले USB लगाएंगे। तो मैंने इसमें USB तो लगा दिए, तो अब देखें इसको डाउनलोड करना है। USB में आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे ये आप देखें। सबसे पहले मैं जाऊंगा मेन मेन्यू, उसके बाद मैं जाऊंगा एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद मैं डेट टाइम सेलेक्ट करूंगा, जैसे कि मैंने इसकी डेट स्टार्टिंग डेट ये लिखी हुई। स्टार्टिंग डेट मैं इसकी आपको दिखा रहा हूँ, जो हमने सिलेक्ट किए वो चार बज के 10 मिनट पे सिलेक्ट किए, और चार बज के मैं ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा क्योंकि टाइम छोटी वीडियो बनानी है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, इसलिए कम रिकॉर्डिंग में डाउनलोड करूँगा ताकि प्रोसीजर जल्दी से क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं कैमरा भी सिलेक्ट करूँगा, मेरा कैमरा नंबर 3 का रिकॉर्डिंग डाउनलोड करनी है मैंने, और टाइम मैंने स्टार्ट टाइम दिया है इसमें 26 तारीख 4th महीना 2022 और 16:10 की टाइम दिए स्टार्ट टाइम, और एंड टाइम दिया है 26 तारीख 4th महीना और 2022 16:20 यानी 4:20। ये मैंने अभी सबसे पहले मैं सर्च करूँगा इसको, ये सर्चिंग हो गई। सर्चिंग करने के बाद मैं सिलेक्ट करूँगा इसको। सिलेक्ट करने के बाद मैं, अगर मेरे पास बहुत सारी वीडियो होंगी तो मैं ऑल पे करूँगा, और अगर मेरे पास सिंगल है तो मैं सिंगल है। अगर मैं इसको चला के भी देख सकता हूँ, रिव्यू भी कर सकता हूँ यहाँ पर कि मैंने जो 10 मिनट की वीडियो देखी तो क्या रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँ। एक्सपोर्ट में ये अब आ गया, मैंने जो USB लगाई है, USB का ऑप्शन आ गया इसमें। मैंने MP4 पे डाउनलोड करनी है, तो MP4 ही सिलेक्ट करूँगा मैं, और इसके बाद मैं फोल्डर सिलेक्ट करूँगा। मैं इसमें न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। न्यू फोल्डर मैंने बनाया, नाम लिखा CCTV, ठीक है। CCTV का फोल्डर बनाया, और अब मैं इसमें आपको एक्सपोर्ट कर देता हूँ वीडियो, तो ये मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए। ओके, ये वीडियो डाउनलोड हो रही है। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें और क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ ओके लिखा हुआ आ जाएगा जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, ये ओके फिनिश। ठीक है, ये तरीका है। इसके बाद आप अपने सिस्टम में लगा के इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और इसको प्लेबैक करके देख सकते हैं MP4 मोड पे। ये सारी सेटिंग है इसकी, तो मैं आपको, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें
और लाइक भी करें और बेल आइकन का ज़रूर बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पर मिल सके।